बाद तय न तेरे भेड़ा। अच्छा और बाद कहां से आए रे, और बाद ढिलागे हमार मुख्यमंत्री के नैया छोड़ भगाए रे। सतगुरु आए हो सतगुरु आए सतगुरु आए।
Thank you.
संस्कृति को, यह है छत्तीसगढ़ का उत्साह, यह है छत्तीसगढ़ का उल्लास, यह है छत्तीसगढ़ की उमंग जो हमारे ग्रामीण भाई बहनों के दैनिक जीवन में रोज दिखाई देती है, जिसकी एक छोटी सी झलक आपने इस मंच पर देखी। और अब मैं पूरे सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आए और हमारे कलाकार दल के प्रमुख श्री डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी का सम्मान करने की घड़ी है, और साथ ही कलाकारों के साथ एक फोटो सेशन भी, और साथ ही हमारे दिल्ली एनसीआर के छत्तीसगढ़िया भाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करना चाहते हैं राजकीय गमछे से, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मान करेंगे डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर और उनके साथियों का, हमारे लोक कलाकार जिन्होंने आज की शाम को बहुत ही खुशनुमा बना दिया और छत्तीसगढ़ की, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की छोटी सी वानगी आप सभी के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत की और बताया कि छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ की इंद्रधनुषी छटा कैसी है जो आज इस मुक्ताकाश पे साकार हो उठा है, इस मंच पे साकार हो उठा है। हमारे कलाकार सेल्फी ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। बहुत ही आह्लाद का ये अवसर है, बहुत ही गौरवमय ये अवसर है जब हमारे कलाकार बंधुओं के साथ पूरी आत्मीयता से मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और ये छोटा सा फोटो सेशन। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री घनश्याम आगेर जी को, अध्यक्ष दिल्ली एनसीआर छत्तीसगढ़िया परिवार और उनके साथियों को, श्री घनश्याम आगेर, श्री संतोष देवांगन, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की गूंज हो रही है, श्री रवि कुमार, श्री सरजू खांडे, आप पांच जो हैं सदस्य दिल्ली एनसीआर के। एक मिनट रुक जाइएगा, फोटो सेशन हो रहा है कलाकारों के साथ। आज की ये घड़ी जबकि हम छत्तीसगढ़ राज्य दिवस देश की राजधानी में मना रहे हैं, और ये अवसर बहुत ही आत्मीय और सुकून से भरा हुआ है और साथ ही बहुत ही यादगार भी है, इसी वादे के साथ कि अगले साल इसी भारत महामंडप में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपनी लोक संस्कृति की कुछ और अनूठी संस्कृति के साथ, वानगी के साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करना चाहते हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के छत्तीसगढ़िया भाई बहन, उनके अध्यक्ष श्री घनश्याम आगेर, श्री संतोष देवांगन, श्री राजकुमार साहू, श्री रवि कुमार और श्री सरजू खांडे।
अच्छा लगता है जब अपने राज्य से बाहर हम कहीं किसी अन्य राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में या राजधानी में होते हैं और हमारे परिवार का मुखिया, हमारे राज्य का मुखिया जब हमारे बीच होता है तो स्वाभाविक है उनसे मिलना, उनके साथ फोटो खिंचाना, उनका सम्मान करना। और ये जो सम्मान हमारे ये 5 प्रतिनिधि कर रहे हैं, ये दिल्ली में बसे और दिल्ली के आसपास बसे हमारे समस्त छत्तीसगढ़िया भाई बहनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 5 तो हैं लेकिन उन 5,000 के बराबर हैं जो हमारे राज्य से बाहर आ करके देश की राजधानी में अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और छत्तीसगढ़ का नाम वो रोशन कर रहे हैं। ये सभी अलग अलग संस्थानों में, कुछ केंद्र सरकार के संस्थानों में हैं, कुछ बड़े होटल्स में कार्यरत हैं। तो ये सारे सदस्य आज बहुत ही गौरवान्वित हैं और हर्षित हैं और ये रोक नहीं पाए अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का। वो क्षण इन्होंने हासिल किया। नाम है श्री घनश्याम आगेर जी, अध्यक्ष दिल्ली NCR छत्तीसगढ़िया परिवार। श्री संतोष देवांगन, श्री राजकुमार साहू, श्री रवि कुमार, श्री सरजू खांडे। राजकीय गमछा पहना करके, भेंट करके पुष्प गुच्छ अर्पित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राज्य से बाहर आ करके किस तरीके से ये देश की राजधानी में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। इनके चेहरे की खुशी बताती है कि आज इनके लिए क्षण जो है बहुत ही दुर्लभ हो चला है। और आप सभी की उपस्थिति ने आज के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाया है, आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। तो आप सभी का भी साधुवाद और एक बार अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमें पता चला कि शाम को 7 बजे जो स्टॉल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के दर्शन करने के लिए बैठे रहे। और आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विवेक आचार्य जी को, संचालक संस्कृति, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं आभार करूँगा उन सभी लोगों का जो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।